का शुभारंभ हो चुका है और यानी कि राखी बंधवाई और चले गए या ऑर्केस्ट्रा इतने बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया भजन हो रहे हैं, गाने हो रहे हैं, इनका लुत्फ उठाइए और रक्षाबंधन बहन मीनाक्षी देवी जी के साथ मनाइए। ब्रजेश तंवर जी, सतीश को बात, मीनाक्षी लेखी जी अभी केंद्रीय मंत्री हैं और हमारी सांसद हैं और आज सभी हम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहाँ पे हमें आमंत्रित किया है रक्षाबंधन के त्यौहार पर। ये भाई बहन का त्यौहार है और मेरे और उनके संबंध पिछले 20 वर्ष पुराने हैं। 20 वर्षों से मैं रक्षाबंधन पे उनसे मिलता रहा हूँ, उनका आशीर्वाद देता रहा हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहे। मीनाक्षी जी से आशीर्वाद चाहूँगा एज ए छोटा ब्रदर होते हुए कि वो अपना आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बनाए रखें। दूसरी चीज़ ये है कि सर आज देखा जाए तो इतना बड़ा पर्व है, आप भी मैं मीनाक्षी लेखी जी से राखी का बंधन बंधवा के आए हैं तो देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज यहाँ पे कोई राजनीतिक ये मंच नहीं है, ये रक्षाबंधन का एक त्यौहार है और उसी के ऊपर ये मंच सजाया गया है। यहाँ पे उन्होंने अपने भाइयों को आमंत्रित किया है तो ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये तो एक पारिवारिक संबंध है कि उन्होंने अपना बड़पन दिखाते हुए हम सब लोगों को बुलाया है। और इतना व्यस्त समय है मोदी सरकार में, सभी केंद्रीय मंत्री जैसे कि हम सब लोग जानते हैं बहुत व्यस्त रहते हैं, ऐसे में अपना समय निकाल कर यहाँ पर आना, हम जैसे कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ कर चर्चा करना, भजन सुनना बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। 20 वर्ष पुराने मीनाक्षी लेखी जी जब स्वदेशी जागरण मंच में एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते तब मैं भी उनके साथ एज ए कार्यकर्ता काम कर रहा था। उसके बाद मैं नारायणा में रहता हूँ, नारायणा में कई कार्यक्रम